दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले मुकाबले में चोट के चलते विराट कोहली के बाहर रहने पर भारतीय टीम की तरफ से बड़ी खबर सामने आई है, लेकिन दूसरे मुकाबले में सौरभ गांगुली ने विराट कोहली को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया और दूसरे मुकाबले के लिए अपनी टीम में एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री करा दी जिसको देख इंग्लैंड की टीम दूसरे मुकाबले को अवश्य हार जाएगी। और आखिरकार कौन है वो खिलाड़ी सौरभ गांगुली ने जिसे अपनी टीम में शामिल किया है और किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया है, इन सभी के बारे में आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर एक दिवसीय बल्लेबाज और कप्तान, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे महासंग्राम में एक दिवसीय सीरीज को जीतने के इरादे से भारतीय टीम T20 के बाद इंग्लैंड की धरती पर ही खेलने के लिए उतरी, जहां अभी तक भारतीय टीम ने 3 में से मात्र एक मुकाबला खेला जिसमें भारतीय टीम को 10 विकेट से शानदार जीत मिली, जिसमें भारतीय टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करके विरोधी टीम को 110 रन पर ऑल आउट कर दिया, तो वहीं ये मुकाबला मात्र 18.4 ओवर में 10 विकेट से जीत लिया गया और इंग्लैंड का भारत के सामने ये सबसे बेकार प्रदर्शन था। तो वहीं भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ी जीत दर्ज करी, तो वहीं सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल करने के बाद दूसरे मुकाबले की तैयारी में भारतीय टीम लग गई और दूसरा मुकाबला लंदन शहर के ही लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा और यहां पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। इस मैदान पर भारतीय टीम जीत दर्ज करके 2-0 से सीरीज पहले ही जीतना चाहेगी और 8 साल की सीरीज के सूखे को खत्म करेगी और इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और इसी बीच सौरभ गांगुली ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है जिसमें उन्होंने एक ऐसे खिलाड़ी की भारतीय टीम में वापसी कराई है जिसे देख इंग्लैंड की टीम के पसीने छूट गए। दरअसल सौरभ गांगुली ने अपनी टीम में विराट कोहली की एंट्री कराई है जो पहले मुकाबले में चोट के चलते नहीं खेले थे, तो वहीं दूसरे मुकाबले में वो वापसी करते हुए दिखाई दे सकते हैं और भारतीय टीम में बड़े बदलाव भी किए हैं और जिसमें उन्होंने ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा और शिखर धवन को रखा है और जिन्होंने पहले मुकाबले में भारतीय टीम को बिना विकेट गंवा कर जीत दिला दी है और इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ी जीत दिलाई है। तो वहीं मध्यम क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत को शामिल किया जिसमें विराट कोहली की दोबारा से वापसी श्रेयस अय्यर की जगह होती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं सूर्य कुमार यादव अपने खतरनाक फॉर्म को और भी ज्यादा खतरनाक करने के इरादे से इस सीरीज में खेलते हुए दिखाई देंगे और साथ ही साथ विकेट कीपर के रूप में ऋषभ पंत भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दूसरी तरफ बात करें तो ऑलराउंडर खिलाड़ी की, तो ऑलराउंडर खिलाड़ियों में भारतीय टीम की तरफ से हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा खेलते हुए दिखाई देंगे जिसमें हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के तेज गेंदबाज, तो वहीं रविंद्र जडेजा फिरकी गेंदबाज के रूप में गेंदबाजी में मदद और शानदार बल्लेबाजी करने में भारतीय टीम को जीत दिलाने के लिए सहायता करेंगे। और इसके अलावा तेज गेंदबाजों में प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप सिंह खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं जिन्हें भारतीय टीम वनडे सीरीज में पदार्पण करने के लिए खिला सकती है। और इसके अलावा मोहम्मद शमी और बुमराह की आग उगलती हुई गेंदबाजी का सामना एक बार फिर से इंग्लैंड की टीम करेगी और इसके अलावा फिरकी गेंदबाज के रूप में युजवेंद्र चहल ही खेलते हुए दिखाई देंगे। और इसी प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम मात्र 2 बदलाव के साथ इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि विराट कोहली दूसरे वनडे मुकाबले में खेलते हुए दिखाई देंगे या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।